वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेटा वैलिडेशन की बात करेंगे दिस इज पार्ट नंबर थर्टी फोर इस पार्ट नंबर थर्टी फोर के अंदर हम डिपेंडेंट लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम डिफाइन नेम और लिस्ट कमांड को यूज करेंगे उसके साथ इफ फंक्शन को यूज करेंगे आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ इस एक्सेल शीट के ऊपर मेरे पास एक टेबल दी गई है जिसके अंदर आइटम डिटेल्स हैं आइटम डिटेल्स टेबल के अंदर चार कॉलम्स दिए गए हैं सीरियल नंबर कैटेगरी आइटम एंड यूनिट सोल्ड राइट साइड के ऊपर मुझे फोर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स दी गई है। जिस हैं जिसके अंदर मेन कैटेगरीज हैं फुटवेयर स्टेशनरी ग्रॉसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन कैटेगरीज के नीचे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन्हीं कैटेगरीज की दी गई हैं मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर मेन कैटेगरी को लिखूं, जब मैं यहां पर क्लिक करूं, तो उससे रिलेटेड उसकी ऑप्शंस मेरे पास आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैटेगरी के केस के अंदर अगर यहाँ पर फुटवेयर को लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आइटम्स के अंदर शूज़ सैंडल्स चप्पल्स असेट्रा आ जाएं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी के केस के अंदर स्टेशनरी देता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन बुक्स पेन पेंसिल एसेट्रा की आ जाए इसके लिए मैं डिफाइन फंक्शन को लिस्ट कमांड को और इफ फंक्शन को यूज करूंगा सबसे पहले मैं आपके सामने लिस्ट कमांड को टेकअप कर रहा हूं मैंने कैटेगरी के नीचे वाले सेल्फ यहां पर इनको सिलेक्ट कर लिया आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया सोर्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैं ये हॉरिजेंटल कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैंने फुटवेयर स्टेशनरी ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर सोर्स के अंदर सिलेक्ट कर लिया आई से ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया आप एक छोटा सा ट्रेंगल यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आइटम आ गई फुटवेयर आई कैन चेंज दिस पर्टिकुलर आइटम टू एनी ऑफ द कैटेगरीज अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ स्टेशनरी है तो मेरे पास आइटम की लिस्ट के अंदर स्टेशनरी की आइटम्स आ जाएं। और अगर यहाँ पर फुटवेयर है तो फुटवेयर से रिलेटेड आइटम्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए अब मैं डिफाइंड नेम को यूज़ करूँगा सो डिफाइंड नेम के केस के अंदर मैं फार्मूला स्टैप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने फुटवियर की सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट कर लिया आई गो टू डिफाइन नेम डिफाइन नेम के अंदर मेरे पास एक न्यू नेम बॉक्स आ गया और नेम के अंदर मैंने यहाँ पर फुटवियर दे दिया स्कोप के केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका स्कोप पूरी वर्कबुक के ऊपर हो तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ अदरवाइज मेरे पास ये ऑप्शन हैं कि आप इस डिफाइंड नेम को किस पर्टिकुलर शीट के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहते हैं मैं इसको पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहता हूँ मैंने कोई कमेंट नहीं दिया रेफर्स टू के केस के अंदर जिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को हम टेकअप हैं उस एक्सेल शीट का नाम और ये रेंज कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर आ गई आई से ओके सिमिलरली मैं स्टेशनरी की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूँ आई गो टू डिफाइन नेम डिफाइन नेम के अंदर यहां पर मैं नेम में स्टेशनरी दे रहा हूं आई से ओके द थर्ड वन इज ग्रॉसरी मैंने ग्रॉसरी की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया आई गो टू डिफाइन नेम और डिफाइन नेम के अंदर मैंने नेम की जगह पर ग्रॉसरी दे दिया आई से ओके लास्ट के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूं आई गो टू डिफाइन नेम न्यू नेम बॉक्स के अंदर मैं नेम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा हूं आई से ओके स्टूडेंट नोट करेंगे मैं ये नेम बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये चारों कैटेगरीज के नाम यहाँ पर आ गए अब मैं आइटम के नीचे वाले सेल पे क्लिक करता हूँ और डेटा टैब पे जाकर डेटा वैलिडेशन के अंदर एंटर करता हूँ डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं सोर्स के अंदर मैं एक फंक्शन दे रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू इफ पेरेंट स्टार्ट मैं ये रेफरेंस दे रहा हूं बी फाइव दिस इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर फुटवेयर डबल कोट क्लोज कॉमा तो यहां पर फुटवेयर की कंप्लीट लिस्ट को ऐड कर दो इफ बी फाइव इज इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर स्टेशनरी डबल कोड क्लोज कॉमा तो यहां पर स्टेशनरी की कंप्लीट लिस्ट को एड कर दो इफ पेरे स्टार्ट बी फाइव इज इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर ग्रोसरी डबल कोड क्लोज कॉमा ग्रॉसरी की यहां पर कंप्लीट लिस्ट को एड कर दो नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट लिस्ट को ऐड कर दो मैंने तीन पेरेंटीसीज को स्टार्ट किया है सो so मैं यहाँ पर क्लोज भी तीन पेरें को ही करूंगा आई से ओके जैसी मैंने ओके okay किया आप एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्टेशनरी है तो मेरे पास यहाँ पर बुक्स आ गए नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन लेकिन ये सारी ऑप्शंस स्टेशनरी से रिलेटेड है मैं स्टेशनरी को चेंज करता हूँ आई गो टू फुटवेयर फुटवेयर केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर सारी फुटवेयर से रिलेटेड ऑप्शन आ गई आई चेंज इट टू ग्रॉसरी ग्रॉसरी केस के अंदर मेरे पास सारी आइटम्स ग्रॉसरी से रिलेटेड आ गई द लास्ट वन इज आई चूज हेयर इलेक्ट्रॉनिक्स सो आइटम की लिस्ट के अंदर अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट आइटम्स की यहां पर रेंज आ गई हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा बी के अंदर अगर कैटेगरी फुटवियर है तो ये फुटवेयर की कंप्लीट रेंज को यहां पर दे दो अगर बी के अंदर यहां पर स्टेशनरी लिखा हुआ है तो स्टेशनरी की कंप्लीट रेंज को दे दो और अगर बी के अंदर ग्रॉसरी लिखा हुआ है तो ग्रॉसरी की रेंज को यहां पर दे दो और अगर ग्रॉसरी नहीं लिखा हुआ फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की रेंज को दे दो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इफ फंक्शन की मदद से सॉल्व किया है सो so स्टूडेंट आपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर देख लिया कि मैं जिस मेन कैटेगरी को यहां पर एंटर करूंगा उसकी कॉरस्पोंडिंग प्रोडक्ट की रेंज यहां पर आ जाएगी उसके बाद आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को यहाँ पर अपने आप लिख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट को जनरेट कर दिया मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से क्वेश्चन की मदद से आपको लिस्ट कमांड डिफाइन नेम और इफ फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी थैंक यू वेरी मच